इंस्टाग्राम रील्स पर पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं ये भी नहीं मैटर करता। मैटर करता है तो सिर्फ ये, तुम्हारी रील्स के ऊपर व्यूज कितने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि आखिर हमें कौन लोग पैसे देंगे इंस्टाग्राम रील्स पर। तो होता क्या है, जब भी तुम्हारा इंस्टाग्राम पेज या अकाउंट ग्रो करता है तो उस टाइम काफी ज्यादा मात्रा में ब्रांड्स तुम्हें अप्रोच करते हैं। लेकिन ब्रांड्स तुम्हें अप्रोच करें इससे पहले ब्रांड तुम्हारे अकाउंट पर नजर डालता है एंड बाकी का भी कॉन्टेंट देखता है कि आखिर और भी कॉन्टेंट के ऊपर इसके व्यूज वगैरह आ रहे हैं या एक ही रील के ऊपर व्यूज आ रहे हैं। अगर तुम्हारे फॉलोअर्स चाहे 500 है लेकिन तुम्हारी रील्स के ऊपर एवरेज व्यूज 20K to 30K, कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी रील्स पर व्यूज होने चाहिए, फॉलोअर्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारी रील्स की रीच अच्छी है तो ब्रांड्स तुम्हें जरूर से कॉन्टेक्ट करेंगे और तुमसे एक रील का चार्ज पूछेंगे। अब तुम अपने हिसाब से एक रील का चार्ज उनको बता करके पैसे कमा सकते हो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके रील्स पर 10,000 या 20,000 व्यूज आ रहे हैं, वो भी रेगुलर। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, जिसमें तुम्हें ब्रांड प्रमोशन तो करनी ही है लेकिन उसके साथ साथ तुम प्रोडक्ट प्रमोशन भी कर सकते हो। अब तुम सोचोगे मेरी रील्स पर व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन मेरे फॉलोअर्स इतने ज्यादा नहीं है कि मुझे कोई प्रोडक्ट ब्रांड आके कॉन्टेक्ट करे, इतनी अथॉरिटी बिल्ड नहीं हुई है। फिर भी कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ब्रांड चल के तो नहीं आएगा लेकिन तुम तो ब्रांड के पास जा सकते हो ना, तुम अपनी रील्स के थ्रू उनके प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो अगर तुम्हारी रील्स पर व्यूज आ रहे हैं। तुम्हें कोई अलग से ब्रांड फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अमेज़न के ऊपर चले जाना है और उनके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना है, जो कि करना काफी ज्यादा आसान है। अब होगा क्या, जो भी प्रोडक्ट तुम प्रमोट करना चाहोगे थ्रू इंस्टाग्राम रील्स, तुम्हें क्या करना है, उस प्रोडक्ट की रील एक बना लेनी है। तुम्हें आसानी से सोशल मीडिया पर ही वो प्रोडक्ट की रील्स मिल जाएंगी, एक अच्छी खासी रील बना करके, जिसमें तुमने बताया होगा कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, और उसको अपलोड कर देना है और उसके कैप्शन में लिख देना है लिंक इन बायो। अब तुम्हें अमेज़न के एफिलिएट प्रोग्राम में चले जाना होगा और उस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करते हुए अपनी बायो में पेस्ट कर देना है। अब जो कोई भी बंदा तुम्हारे लिंक से उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो तुम्हें कमीशन मिलेगी, और ये काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम रील्स। एंड इस सारे के सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। एंड अफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड अगर तुम डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो बढ़ते हैं हम अपने थर्ड मेथड की तरफ, जिसको अप्लाई करके तुम डेली के 300 से 400 रुपए आसानी से बना सकते हो। इसके लिए तुम्हारी रील्स पर सिर्फ 10,000 या 20,000 व्यूज आना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारी रील्स पर 10,000 या 20,000 व्यूज आ रहे हैं रेगुलर बेस पे एंड उन्हीं में से अगर तुम्हारी कोई रील पर 20,000 से ज्यादा, मतलब जो रेगुलर व्यूज आ रहे थे उससे ज्यादा व्यूज आए हैं, तो अब तुम्हें यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। करना तुम्हें क्या है, सिंपली तुम्हें अपने कैप्शन में लिखना है 100 रुपीज पर स्टोरी। तुम्हें काफी सारे लोग डीएम करेंगे कि मैं अपनी स्टोरी लगवाना चाहता हूँ तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज या अकाउंट के ऊपर, लेकिन उससे पहले तुमसे लोग तुम्हारी स्टोरी के व्यूज का स्क्रीनशॉट मांगेंगे। अब तुम सोचोगे कि यार मेरे स्टोरी पर इतने ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं कि मैं उनको दिखा पाऊं, उसकी भी तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर तुम्हारी एक रील पर भी व्यूज आ रहे हैं ना एंड उसके नीचे अगर तुमने लिख डाला है ना 100 रुपीज पर स्टोरी, तो इससे होगा क्या, जो कोई भी तुम्हारा कैप्शन पढ़ेगा वो तुम्हारी स्टोरी जरूर देखेगा, उनके मन में भी क्यूरियोसिटी रहेगी कि आखिर ये स्टोरी में अपलोड कर क्या रहा है जिसके ये 100 रुपीज मांग रहा है। और अगर किसी ने अपनी स्टोरी तुम्हारे पेज पर लगानी भी होगी तो उससे पहले वो तुम्हारी स्टोरी जरूर से देखेगा कि आखिर किसी ने अभी तक स्टोरी लगवाई भी है इसके अकाउंट पर या नहीं। तो इसी तरह से तुम्हारे स्टोरी व्यूज भी बढ़ते जाएंगे, जिसका तुम आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर के उन लोगों को सेंड कर सकते हो जो तुम्हारी स्टोरी पर अपनी स्टोरी लगवाना चाहते हैं। और ऐसे करके अगर तुम रोज की 4 या 5 स्टोरीज लगा लेते हो तो एक दिन का 500 रुपए तुम्हारा कहीं नहीं गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे व्यूज होने चाहिए तुम्हारी रील्स के ऊपर। अब व्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं ये जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। ओके बाय।